एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर करंट अफेयर्स क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। स्टार्ट करने से पहले दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए या फिर किसी प्रकार से हेल्प लेने के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ कोर्स डिटेल्स हैं, जिसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे करके रखी हुई है। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज, दीज आर आवर टेस्ट सीरीज डिटेल्स। स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स, और सबसे पहली करंट अफेयर्स हम लोग बात करेंगे फिलहाल हेल्थ के रिस्पेक्ट में। हेल्थ के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पिगमेंट्री डिसऑर्डर के बारे में बात किया ही था। इसी पिगमेंट्री डिसऑर्डर से रिलेटेड एक और डिसीज है, एक और प्रॉब्लम है, एक और वायरल प्रॉब्लम है, दैट इज मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस। अब जैसे पिगमेंट्री डिसऑर्डर में हम लोगों ने बात किया था कि हाथ वगैरह में पिगमेंट्री प्रॉब्लम हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो स्किन लड़ रही होती है, स्किन की एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। सेम ऐसे ही यहां पर भी हमारे पास मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस होती है, जो अगेन एक स्किन कैंसर का ही टाइप होता है। ये भी आपके हाथ में ही हो रही होती है, ये भी अगेन स्किन प्रॉब्लम ही है। तो मर्केल सेल कैरसिनोमा इज अ रेयर एंड एग्रेसिव टाइप ऑफ स्किन कैंसर। इट इज एसोसिएटेड विद बेसिकली ओल्ड एज, एक्सेसिव एक्सपोजर जब अल्ट्रावायलेट लाइट्स का हो जाता है, जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, उसमें इस तरीके के वायरस का अटैक देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली बोथ आर काइंड ऑफ, दोनों के दोनों एक दूसरे के ही सिमिलर ही चीजें हैं। यहां पर भी हार्मफुल यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट में स्किन कैंसर हो रही है, यहां पर भी स्किन डिफेंसिव मैकेनिज्म अपना रही है, यहां पर इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से स्किन कैंसर हो जा रहा है। न्यूज में क्यों आया है कि फिलहाल में अ टीम ऑफ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बैंगलोर हैज डेवलप अ डायग्नोस्टिक सिस्टम, एक डायग्नोसिस सिस्टम इन्होंने निकाला है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस इन मर्केल सेल कार्सिनोमा ट्यूमर। होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको इस वायरस ने अटैक कर दिया। इस वायरस के अटैक करने के लिए और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोविड 19 एक वायरस है जिसके सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जनरल सिम्टम है, जैसे सर दर्द का हो जाना या फिर छींक आना, खांसी आना, कफिंग होना, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है, या फिर लंग्स में मतलब चेस्ट पेन होना, तो ये सब काफी नॉर्मल चीज है जो आपको नॉर्मल फ्लू वायरस वगैरह में भी हो रही होती है। तो इसके लिए अपना खुद का एक किट है जिसके थ्रू ये डायग्नोस कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस के लिए भी अपनी खुद की एक डिटेक्शन सिस्टम है, और इस डिटेक्शन सिस्टम में ही हम लोग देखेंगे क्या सिस्टम है। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, कैस्पर कैस 9 का यूज किया जाता है, कैस्पर कैस 12A का यूज किया जाता है। अब यहां पर देखिए कैस्पर क्या चीज है, ये कैस्पर वाली चीज बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है, दिस टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी में होता क्या था कि कैस्पर कैस 9 होता था, उसमें कैस 9 ये क्या होती थी, ये होती थी डीएनए एडिटिंग टूल। होता क्या था इसमें, कैस्पर इस टेक्निक का नाम है, ये एक टेक्निक होती है, और कैस 9 एक एंजाइम है। होता क्या है इसमें, इस एंजाइम में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके डीएनए है ए डी एडिनिन थायमिन ATGC ग्वानिन साइटोसिन। सपोज मान लेते हैं कि एक जीन का सिस्टम है, जीन का एक सीक्वेंस निकल करके आ जाएगा। सपोज आपका इसमें टी वाला जो जीन है ये डिफेक्ट हो गया है, तब अब क्या है, दिस इज प्रॉब्लम, ये वायरल प्रॉब्लम हो गई, ये कह लीजिए डीएनए प्रॉब्लम हो गया है। तो डीएनए प्रॉब्लम में इसमें होता क्या है कि एंजाइम जाता है टी के पास, टी को कट कर देता है, और कट करके रिप्लेस कर दिया जाता है, और रिप्लेस करने की पूरी टेक्निक इसमें एंजाइम का यूज किया गया है, एंजाइम को बोलते हैं कैस 9, और जो टेक्निक यूज की गई है इस पूरे टेक्निक को बोला जाता है कैस्पर, दिस इज कैस्पर। क्लियर हो गया क्या चीज है, कैस्पर कैस 9, लेकिन यहां पर जो टेक्निक की यूज की जा रही है उसका नाम है कैस्पर कैस 12A। तो यहां पर दिस इज कैस 12A, कैस 12A अगेन एक तरीके की एंजाइम है। क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा सकते हैं कि कैस्पर और कैस 9 में या फिर कैस 12 में कैस 12A क्या चीज है, कैस्पर क्या है, तो कैस्पर इज अ टेक्नोलॉजी और कैस 12A इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम हो जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है दोनों के बीच में डिफरेंस, ओके। इसके बाद द रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ टेस्ट किट कैस्पर कैस 12 टेक्नोलॉजी दैट कैन आइडेंटिफाई द वायरस इन ट्यूमर एंड गिव ऑफ फ्लोरेसेंस टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ वायरस। इसमें हो क्या रहा है कि लाइट के थ्रू, फ्लोरेसेंस के थ्रू उसको गुजारा जाएगा, और अगर मान लीजिए जहां पर भी वायरस होगा
उसके थ्रू ये पास ऑन कर जाएगी लाइट और हमें आइडिया लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि यहीं पर वायरस है। एंड यहां पर फिर हम लोग एंजाइम को छोड़ करके, एंजाइम जो हमारी कैस 12 है, इस एंजाइम को हम लोग छोड़ करके इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से मर्केल सेल के वायरस की इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो हमारी डिटेक्शन टेक्निक है, इस डिटेक्शन टेक्निक का नाम हमने दिया है डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब है डीएनए एंडो न्यूक्लियस टारगेट क्रिस्पर ट्रांस रिपोर्टर। तो दिस बेसिकली रिपोर्टर, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रिस्पर इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, कैस9 एंजाइम हो जाएगी। क्लियर हो गया पूरा सिस्टम क्या है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है क्योंकि COVID-19 काफी ज्यादा न्यूज में हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही फाइटर है कि ये आएगा, ये मुश्किल है आना पाना। लेकिन हाँ, ये सब चीजें बहुत आराम से आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स होता है और वो करंट अफेयर्स है हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड। देखिए, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है अपने एग्जाम में। 24% नियर अबाउट क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से ही मिल रहे होंगे, तो हम लोग इसी वजह से 24% अपना टाइम भी अपने एनवायरमेंट को ही डिवोट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर्स आता है वो आता है यूरेशियन ऑटर के बारे में। यूरेशियन ऑटर क्या चीज है, क्यों न्यूज में आया है? तो अ स्टडी इन ओडिशा के चिल्का लेक में हैव फाउंड द प्रेजेंस ऑफ वायबल ब्रीडिंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन ऑफ यूरेशियन ऑटर अ फिशिंग कैट इन द ब्रैकिश वाटर लैगून। ये देखिए, एक वाटर ब्रैकिश वाटर लैगून है जो कि एशिया का लार्जेस्ट वाटर लैगून है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। क्लियर हो गया क्या चीज है, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हो जा रहा होता है। हालांकि हम लोगों ने ये पुराने करंट अफेयर्स की वीडियो में भी देख रखा है। लैगून क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी में बात कर रहे होंगे, तो आपको क्लैरिटी काफी ज्यादा आ जाएगी। चिल्का लेक की लोकेशन क्या है, चिल्का लेक के लोकेशन और लोकेशन के लिए हम लोगों ने एक नई सीरीज लॉन्च की हुई है जिसका नाम है मैप मेकिंग सीरीज। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है क्योंकि एक ही दिन में आप पूरी मैप नहीं सीख सकते हैं, आपको 5 से 10 मिनट का हर रोज ब्रेक लेना है और इस मैप मेकिंग क्लास को देख लेना है। आपकी पूरी मैप मेकिंग, पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल जो मैप पे बेस्ड है, एटलस पे बेस्ड है, वो यहां से डेवलप हो जाएगा, आप तैयार कर लेंगे। तो बी रेगुलर विद दिस मैप मेकिंग सीरीज और लगातार उसमें जो भी चीज बोली जाए वो करिएगा। कमिंग बैक टू आवर यूरेशियन ऑटर करंट अफेयर्स, यहां पर क्या है कि यूरेशिया में, मतलब कि ओडिशा में जो हमारी चिल्का लेक है वहां पर प्रेजेंस पाई गई है, ब्रीडिंग पाई गई है यूरेशियन ऑटर की। देखिए, ओडिशा लेक जो है या चिल्का लेक जो है, यहां पर कुछ हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे गहिर माथा हो गया, भीतर कनिका हो गया। ये सब एक्चुअली क्या है कि ये सब ब्रीडिंग ग्राउंड पाए जाते हैं। यहां पर ब्रीडिंग ना सिर्फ केवल और केवल यूरेशियन ऑटर की देखी गई है बल्कि यहां पर ऑलिव रेडलेट टर्टल की भी ब्रीडिंग देखने को मिली है जो कि हर साल माइग्रेट कर रहे होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स एग्स को मतलब ब्रीड कर रहे होते हैं और इस तरीके से यहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड पाया जाता है। समझ में आ गया क्या चीज है। यूरेशियन ऑटर के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, यूरेशियन ऑटर जो इनकी हैबिटेट है वो तीन तरीके के एक्चुअली यूरेशियन ऑटर पाए जाते हैं। एक होता है जो स्मूथ कोटेड होता है, दूसरी होती है जो एशियन स्मॉल क्लॉड होती है, तीसरी होती है जो यूरेशियन होती है। तो जो स्मूथ ऑटर होती है ये पूरे इंडिया में पाए जा रहे होते हैं कोस्टल इलाके में। जो एशियन स्मॉल क्लॉड है ये केवल और केवल हिमालयन फूट हिल्स में ही पाए जा रहे होते हैं, ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न घाट में पाए जा रहे होते हैं। जो हमारी यूरेशियन ऑटर है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में पाई जा रही होती है। क्लियर हो गया। तो आपको इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखिएगा कि इंडिया के ये कोस्टल इलाके में पाए जा रहे होते हैं, यहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। IUCN की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो देखिए, IUCN की कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड आती है और अगर साइट्स में देखे तो ये अपेंडिक्स 1 में आती है और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 में इसकी प्रेजेंस को माना गया है। क्लियर। ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अपना एनवायरमेंट का सेक्शन देख रहे होंगे, तो आपको क्लैरिटी लग जाएगी कि ये क्या है। बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे जैसे वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक क्या है, हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस करंट अफेयर्स में, मतलब कि एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है दैट इज रिलेटेड विद रेड पांडा। रेड पांडा के लिए देखिए, बहुत ही ज्यादा इस बार ये करंट अफेयर्स में रहा है, हाई चांसेस आर देयर कि प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। बात करते हैं रेड पांडा के बारे में। तो रेड पांडा इज अ स्मॉल एबोरियल
मैमल फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ म्यांमार एंड साउथ चाइना। एक्चुअली क्या है, ये जो इलाका है ये हमारा इंडिया का साउथ, ये हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया। इस पूरे इलाके में ये रेड पांडा पाए जा रहे होते हैं। इसमें इलाका कौन कौन सा आ गया, एक तो सिक्किम जो कि इसका स्टेट एनिमल ही है, खैर ये तो। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, भूटान का पार्ट, ये देखिए यहां पर भूटान आ गया, म्यांमार का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारा चाइना के एरिया में भी पाए जा रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा इलाका है जहां पर रेड पांडा पाए जा रहे होते हैं। यहां पर ये मैंने आप लोगों को एक फैमिली लिखवाई है, जैसे एल्यूरिडे फैमिली है, एल्यूरिडे मैमेलियन फैमिली। इसका मतलब होता है कि ये लोग ट्री पे रहते हैं और ट्री पे ही सारा का सारा जो भी ब्रीडिंग वगैरह करना होता है वो सारा का सारा ट्री पे ही हो रहा होता है। तो इस वजह से एल्यूरिडे का मतलब अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग हैबिटाट के बारे में बात करें तो हैबिटाट इसकी जैसा कि दिखाया मैंने, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हिमालयन रीजन जो है वही है। इसमें हमारे कौन कौन से इलाके मिल जाते हैं, सिक्किम मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है, सम पार्ट ऑफ असम मिल जाता है और नागालैंड मिल जाता है। तो ये इलाके मेनली हो जाते हैं जो हिमालयन रेंज के हो जा रहे होते हैं। IUCN की कैटेगरी में बात करें तो देखिए इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, क्योंकि देखिए स्टेट एनिमल है तो इंडेंजर्ड। मैंने आप लोग को एक दिन ट्रिक भी बताई हुई थी जिसके थ्रू भी आप इसको बात कर सकते हैं। हालांकि मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम लोग केवल और केवल जितने ये स्पीसीज करंट अफेयर्स में रहे हैं इन सब के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, और वहां पर हम लोग एक टेक्निक भी बना लेंगे, कुछ न्यूमोनिक्स बना लेंगे, कुछ तरीके बना लेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा का पूरा IUCN साइट्स और WPA याद रख सके। कमिंग बैक टू आवर रेड पांडा करेंट अफेयर्स, इस साइट की जो पोजीशन है वो क्या है, अपेंडिक्स 1 में है और WPA की अपेंडिक्स शेड्यूल 1 में आ जा रही होती है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है, क्लियर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिखा है कि इसके जो टाइप होते हैं वो एक्चुअल में दो टाइप पाए गए हैं रेड पांडा की, एक है जो हिमालयन रेड पांडा है और दूसरा है जो चाइनीज रेड पांडा है। इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस होती है चेहरे की बनावट में, कलर में, सब में कुछ डिफरेंस होती है, बट ये डिफरेंस हमें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेड पांडा के दो टाइप होते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दो टाइप होते हैं, एक होता है जो चाइनीज होती है, दूसरी होती है जो हिमालया होती है। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए जैसे एक होता है ना डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए, तो जो डिवाइडिंग लाइन है वो लाइन एक एक्चुअली रिवर है, और उस रिवर, ये रिवर चाइना में बहती है। इस रिवर का नाम है यालू जांगू रिवर। दिस इज द मोस्ट लाइकली मार्क्स द जियोग्राफिकल बाउंड्री सेपरेटिंग द टू स्पीसी। तो ये जो हमारी यालू जांगू रिवर है, या तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये रिवर है कहां पे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड पांडा को डिवाइडिंग लाइन कौन सी हो जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो रेड पांडा के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे अगर हम लोग करंट अफेयर्स के डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट है, एक कन्वेंशन है जिसको बुलाता है CMS कन्वेंशन। CMS कन्वेंशन का मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी। तो इसको बोलते हैं सी मतलब कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीसी। इसको कब मतलब एग्रीमेंट में कब लाया गया था, तो इसको एग्रीमेंट में लाया गया था बॉन कन्वेंशन पे। तो आपको ये बॉन कन्वेंशन याद होना चाहिए कि बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो बॉन कन्वेंशन इज रिलेटेड विद माइग्रेटरी स्पीसी या फिर बर्ड्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही क्षेत्र में होता है। क्यों बोलते हैं बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है माइग्रेशन के लेकर के। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड फॉर द फर्स्ट टाइम कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ इंडिया अंडर द CMS बिफोर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UP 13 हेल्ड इन गुजरात रिसेंटली। तो CMS में फिलहाल अभी रिसेंट में एक मीटिंग हुई थी जो हमारे CUP 13 के नाम से हुई थी, और इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कंपाइल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर किया था। इस कंपाइल्ड रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या आ जाती है, इस फाइंडिंग में आती है कि सबसे ज्यादा मतलब नियर अबाउट 83% बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, सेकेंड नंबर पे हमें मैमल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और थर्ड नंबर पे माइग्रेटरी फिशेज होती हैं जो बेसिकली माइग्रेशन कर रही होती हैं। ये माइग्रेशन केवल और केवल लोकल एरिया में नहीं बल्कि बड़े लार्ज लेवल पे होता है, जैसे साइबेरिया दैट इज इन रशिया, वहां से इंडिया तक में हमें देखने को मिल जा रही होती है, तो बड़े लेवल पे होती है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया अलोन अकाउंट फॉर नियर अबाउट 450 स्पीसी ऑफ टोटल 650 स्पीसी ग्लोबली लिस्टेड अंडर CMS अपेंडिक्स। तो जितनी भी ग्लोबली लिस्टेड जो हमारी माइग्रेटरी स्पीसी है उनमें से मतलब समझ लीजिए कि 70% तो हमारे यहां पर ही पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माइग्रेटरी स्पीसी में मैक्सिमम
अकाउंट किसका है, तो आप बोलेंगे इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स का। क्लियर है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा टर्म आया हुआ है जिसका नाम है एम्ब्रायोनिक डायपॉज। एम्ब्रायोनिक डायपॉज का मतलब क्या होता है? पॉज ऑन रिप्रोडक्शन अंटिल द कंडीशन आर राइट, सीजन, क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी। जैसे क्या होती है, बहुत सारे हमारे स्पीसीज होते हैं, जैसे बियर हो गया, भालू हो गया, या फिर हमारे जैसे कंगारू हो गया, तो ये सब स्पीसी ऐसे स्पीसी होते हैं जो सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। सही समय का मतलब क्या हो गया? सही समय का मतलब हो गया सीजन कैसा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सारे कंडीशन को देखने के बाद देन दे गो फॉर देयर रिप्रोडक्शन। और इस तरीके से, इस तरीके के पॉज को, जो ब्रेक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायोनिक डायपॉज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एम्ब्रायोनिक डायपॉज को लेकर के। नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर्स आती है, दिस इज रिलेटेड विद सम अदर स्पीसीज। इस स्पीसी का नाम क्या है? व्हेल शार्क। देखिए व्हेल शार्क इज अगेन अ माइग्रेटरी स्पीसी। ये भी एक तरीके की माइग्रेटरी स्पीसी होती है, और ये माइग्रेटरी स्पीसी लार्ज डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है, इनकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी होती है इसी वजह से। ठीक है। रिसेंटली व्हेल शार्क ये अभी डाइड एट द कोस्ट ऑफ सुनापुर इन ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट, हम लोगों ने अभी बात भी किया हुआ था चिल्का लेक के बारे में। तो एक्चुअली क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया इकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो एक जगह पे ब्रीडिंग पाई जा रही है, दूसरे जगह पे देखिए यहीं पर ये जो हमारी शार्क है वो डाई कर गई, मर गई। चलिए खैर, ये तो हुआ करंट अफेयर्स। अब इसके जो बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हैबिटेट क्या है? ऑल ट्रॉपिकल ओशियन। ऑल ट्रॉपिकल ओशियन का मतलब क्या हो गया? हर एक वो एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा होता है। जैसे हमारी क्या हो गई, अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका साइड से, तो हमारी ये हो जाती है हमारी साउथ अमेरिका, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा पार्ट हो जाता है। तो इस इलाके में भी हमें ये जो व्हेल शार्क है वो देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा अफ्रीकन रीजन में भी हमें देखने को मिल रही होती है, क्योंकि यहां पर भी ट्रॉपिकल वाटर अवेलेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करें, या फिर अंडमान सी के बारे में बात करें, या फिर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जितने भी सी है, उन सारे इलाकों में ये पाए जाते हैं। तो व्हेल शार्क इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में सारे के सारे ये पाए जा रहे होते हैं। क्लियर हो गया। IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड होती है, साइट्स की कैटेगरी में अपेंडिंग्स 2 में रखा गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है। शार्क को देखिए, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि शार्क को जो खतरा है, वो खतरा होता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं समुद्र के अंदर में, जैसे जो ऑयल ड्रिलिंग चल रही होती है, या फिर शिप्स बड़े बड़े जो चल रहे होते हैं, ट्रॉलर्स वगैरह जो चल रहे होते हैं, तो इनके कारण से इनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। हालांकि जो शार्क है, इस शार्क को बचाने के लिए व्हेल कमीशन बनाया गया है। व्हेल कमीशन ये इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेशनल बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इज इंटर गवर्नमेंट पैनल। हर एक गवर्नमेंट के लोग यहां पर मिल रहे होते हैं, तो इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन व्हेल कमीशन। ये बेसिक्स है, हम लोग बेसिक्स एक क्लास में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रखा है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें क्या है कि जापान और ब्राजील को लेकर के, जापान ब्राजील रशिया को लेकर के क्या इसमें डिस्क्रिपेंसीज आई हुई है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिए स्वैम्प वैलबी के बारे में। स्वैम्प वैलबी एक तरीके से कंगारू टाइप का ही दिखने वाला एक एनिमल होता है, मैमल होता है ये, और ये भी सिमिलरली जिस तरीके से पाउच कंगारू के पास होती है, सिमिलरली स्वैम्प वैलबी के पास भी उसी तरीके की पाउच होती है। करंट अफेयर्स में क्यों है, तो देखिए रिसर्चर रिपोर्टेड दैट स्वैम्प वैलबी अ मार्सुपियल, मार्सुपियल मतलब कंगारू टाइप का, रिलेटेड टू द कंगारू इज प्रेग्नेंट थ्रू आउट इट्स एडल्ट लाइफ। तो देखिए जो ये बता रहा है इसमें कि स्वैम्प वैलबी ये अपने जब भी एडल्ट लाइफ एज में रहती है, तो जो भी इसमें फीमेल होती है वो लाइफ टाइम प्रेग्नेंट रहती है। लाइफ टाइम प्रेग्नेंट का मतलब क्या हो गया, ये कहा जाता है कि एक साथ 3 बच्चों को लेकर के चल रही होती है। एक होती है जो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा स्वैम्प वैलबी हो गया, तो ये स्वैम्प वैलबी हो गया, जो भी अब इसी तरीके से मान लेते हैं कोई जानवर है बड़ा सा, दिस इज वैलबी। अब इसके क्या है, इसके साथ में एक छोटा स्वैम्प वैलबी चल रहा होगा, इसका बच्चा। दूसरा होगा जो इसके पाउच में पड़ा होगा, जो अभी डेवलप हो रहा होगा। तीसरा होगा जो इसके अभी बॉडी में पल रहा होगा। तो ये हमारे बेसिकली 3 बच्चों को एक साथ लेके चल रही होती है, जो डेवलप हो रहा होता है, डेवलप हो चुका होता है, और अभी अंडर डेवलपमेंट में हो रहा होता है। क्लियर हो गया स्वयं बल्बी के बारे में क्या है। ये सब हालांकि कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ आपके लिए थोड़ी सी देखिए नई चीज है, पहली बार जानने को मिल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है।
तो स्वयं वैले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें अगर कहां पे पाया जाएगा, तो कंगारू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो स्वयं वैले भी पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। IUCN की कैटेगरी में लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न क्यों हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है एक ही इलाके में पड़ा हुआ है, आराम से अपना रह रहे हैं। साइट्स की कैटेगरी में शेड्यूल अपेंडिक्स 2 में आते हैं और WPA वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आ जाते हैं। कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगर करंट अफेयर्स में, तो देखिए कुछ लिविंग स्टेटस दिया गया है रिवर्स को, इसको बोला जाता है पेरेंट्स पैट्री। दिस इज पेरेंट्स पैट्री, ठीक है। और ये पेरेंट्स पैट्री क्या होता है, देखिए ये थोड़ा सा लैटिन टर्म है और लॉ में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। पेरेंट्स पैट्री का मतलब क्या होता है, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं होता है उसका पेरेंट्स स्टेटस होता है, स्टेट होता है, सॉरी स्टेट, ठीक है। तो स्टेट ही काम कर रहा होता है एज ए फॉर्मेट ऑफ, एज इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स। अब यहां पर क्या हुआ है कि कुछ स्टेट्स ने, या फिर कह लीजिए कि कुछ हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कुछ रिवर को एक, यह कह सकते हैं नॉन लिविंग आइटम जितने भी होते हैं उनको एक लिविंग स्टेटस का दर्जा दिया जा चुका है। जैसे मान लीजिए गंगा हो गया जो उत्तराखंड को दिया गया, यमुना हो गया जो उत्तराखंड में दिया गया है। हालांकि इन दोनों को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इसमें किसी प्रकार का लिविंग स्टेटस अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन करंट अफेयर्स है वो है सुकना लेक के बारे में। सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ में पाई जाती है, एक्चुअली दिस इज इन बॉर्डर एरिया में है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर एरिया में आती है और ये आती है चंडीगढ़ के ही टेरिटरी के अंदर में। तो यहां पर क्या हुआ है, जो सुकना लेक है ये लगातार जो है एक इकोलॉजिकल प्रेशर से होके गुजर रही है, जिसके कारण से इनको इनको सेव करना, इनको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। फॉर दैट चंडीगढ़ में इसको एक पेरेंट्स पैट्री का स्टेटस दे दिया गया है, जहां पर जो इनके यहाँ के लोकल्स होंगे लोकल ही इसके पेरेंट्स रहेंगे। मतलब अगर कोई दिक्कत होगी तो पेरेंट्स कैन टेक एनी एक्शन, तो ये चीज कहा गया है इस पेरेंट्स पैट्री में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सुकना लेक कहां पर है, या पूछा जा सकता है कि सुकना लेक को अभी रिसेंट में जो लिविंग स्टेटस दिया गया है वो कहां पर है, ये क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, इसके बाद देखिए गैंडसैंड के बारे में है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। 1998 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाल दिया जाता है, हालांकि इसकी एक्ट 2000 में पास हो रही होती है, तो उत्तराखंड को अलग कर दिया जाता है, ये अलग से सेपरेट स्टेट हो जाता है। यहां पर जो पूरा का पूरा मतलब जो एग्रीमेंट किया गया है, जो लॉ पास किया गया है, जो एक्ट पास किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो यूके की मतलब उत्तराखंड में जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा वो इरिगेशन डिपार्टमेंट संभाला जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसीलिए आप कभी भी अगर हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार में आप देखेंगे कि वहां पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश जल निगम या फिर उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये लिखा रहता है। तो एक्चुअल में है क्या, ये तो हुआ क्या, इसका थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बता दिया कि जब भी कभी स्टेट डिवीजन हो रहा होता है तो एक एग्रीमेंट होती है, एक एक्ट पास हो रही होती है और उसी एक्ट में कुछ प्रोविजंस लिखे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में हो रखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, तो दोनों के लिए कंडीशन बना दी गई है कि हाईकोर्ट कैसे होने वाले हैं, किसकी राजधानी कैसे होगी, किसका फाइनेंशियल डिवीजन किस तरीके से होगा, गवर्नर किस तरीके से होंगे, तो सारा का सारा लिख दिया जाता है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए करंट अफेयर्स क्या है, उत्तर प्रदेश में तो चलिए ठीक है एक राजधानी लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स हमारे पास ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी का मतलब क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि या तो इनकी जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी टफ होती है, या फिर इनका क्लाइमेट जो होता है वो टफ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इलाका जो है थोड़ा सा लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। तो लंबाई में फैला होने के कारण से देहरादून को तो बना दिया गया था इसकी कैपिटल, देहरादून को कैपिटल बना दिया गया, लेकिन इसमें होता क्या है कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का फंडा आना शुरू हो गया, तो लोग बोलना शुरू कर दिए कि यार गैंडसैंड को आप बना दीजिए यहाँ का कैपिटल, बना दीजिए कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट में है, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा सपोज दिस इज उत्तराखंड इस तरीके से, तो देहरादून कहीं इधर आता है जबकि गैंडसैंड एकदम बीच में आता है, दिस इज द सेंट्रल पोजीशन, और इसकी डिमांड बहुत पहले से हो रही थी कि इसको कैपिटल बना देना चाहिए, और फिलहाल इसको समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड बना दिया गया है, क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो देखिए कुछ और भी है, जैसे उत्तराखंड की दो राजधानी हो गई, अब देहरादून हो गई और गैंडसैंड हो गई, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सिमिलरली शिमला और धर्मशाला ही, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, धर्मशाला, ठीक है, दिस इज धर्मशाला, ठीक है। सिमिलरली जो होती है आंध्र प्रदेश की भी फिलहाल तीन कैपिटल हो गई है, तीन कैपिटल के बारे में ये विचार कर रहे हैं, कौन कौन से तीन कैपिटल, एक हो गया जो कुर्नूल है, दूसरा हो गया विशाखापट्टनम और तीसरी अमरावती, हालांकि ये 10 साल बाद होने वाला है, 2024 की बात है ये,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज कैसे होने वाला था। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले थी श्रीनगर और हमारी जम्मू तवी, ये दो राजधानी हुआ करती थी पहले, तो खैर वो तो चेंज हो गया है अब, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, दैट इज रिलेटेड विद हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर। और ये स्वैम्प डियर इज क्या है चीज है, स्वैम्प डियर जो होती है बारहसिंघा को ये बोला जाता है। अब ये बारहसिंघा या स्वैम्प डियर कहां कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये पाया जाता है उत्तराखंड में, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जितने भी सेंट्रल, मतलब कि समझ लीजिए सेंट्रल इंडिया को टच करने वाले जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो नेबरिंग एरिया हो जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड टाइप के, या आंध्र प्रदेश टाइप के एरियाज हो, तो इन सारे इलाकों में ये स्वैम्प डियर पाया जाता है। इंडेंजर्ड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंडेंजर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसके न्यूज में क्यों रहा है, न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि फिलहाल में कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या को बढ़ता हुआ, इंक्रीज्ड नंबर देखने को मिला हुआ है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखिए नॉर्थ इंडिया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया यहां पर, और साउथ वेस्ट नेपाल में ये पाए जाते हैं। आयुसीन की कैटेगरी में देखें तो आयुसीन की कैटेगरी में देखिए, हालांकि मैंने बोला यहां पर एंडेंजर्ड, बट एक्चुअल में इसकी चेंज करके इनको वल्नरेबल सेक्शन में कर दिया गया है। तो आप इस तरीके के करंट अफेयर्स को जरूर ध्यान दिया करिए कि जिनकी जिनकी स्टेटस चेंज हो गई है, तो जो स्टेटस चेंज हो गई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। तो आयुसीएन जो बारहसिंघा की है वो चेंज होकर के वल्नरेबल कैटेगरी में हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडेंजर्ड का मतलब इनकी संख्या कम है और फिलहाल में संख्या इनकी इंक्रीज देखने को मिली है, यानी कि इसका स्टेटस कम कर दिया जाएगा, वल्नरेबल कर दिया गया है। क्लियर? इट इज एंडेमिक टू कान्हा नेशनल पार्क, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये एंडेमिक होती है, तो इस तरह से करंट अफेयर्स आपसे बन सकता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो देखिए आगे हमारी करंट अफेयर्स आती है रेड क्राउन रूफ टर्टल। ये देखिए बहुत ही जायंट टर्टल है, काफी बड़ा होता है जायंट टर्टल। ये पाया जाता है बंगाल में, इसलिए इसका नाम अगेन बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इलाका हो जाता है। दिस इज एंडेमिक टू इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स ये है कि फिलहाल में इट हैज बीन ब्रॉट एट मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह इसकी कराई जाएगी, इसको प्रोटेक्टिव मेजर के अंतर्गत रखा जाएगा क्योंकि इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। तो हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखिए मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को बंगाल के पास में है, बंगाल के पास में है, तो ऑब्वियसली ये इलाका क्या हो गया, ये इलाका हो गया बांग्लादेश के पास में भी पाए जाने वाला। तो ये फिलहाल में इंडिया में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है और नेपाल में भी ये पाई जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। आयुसीएन की कैटेगरी में अभी मैंने बताया संख्या इनकी लगातार गिरती आ रही है, इसी वजह से तो इनको प्रोटेक्टिव मेजर दिया जा रहा है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही होती है। साइज के बारे में बात करें तो अपेंडिक्स 2 में आ रही होती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आती है। बात करें अगर कुछ और इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स की तो देखिए नेशनल चंबल रिवर, नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज द ओनली एरिया विद अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसी। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने चंबल रिवर में बात किया था कि घड़ियाल काफी ज्यादा पाए जाते हैं, प्लस साथ में ये भी बोल रहा है कि जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है इनकी भी संख्या यहां पर अच्छी खासी पाई जा रही होती है। बट इवन इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया एंड हैबिटेट आर अंडर थ्रेट, लेकिन ये भी अभी अगेन थ्रेट में है। तो ये करंट अफेयर्स अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो मैं अलग से इंक्लूड किया रहता हूं, देखिए ये काफी ज्यादा प्रोबेबल होता है पूछे जाने के, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपसे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप उठा करके देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारी करंट अफेयर्स आती है रिलेटेड विद डिफेंस। यहां पर क्या है, पहला एक करंट अफेयर्स है दैट इज राइडर एक्स। जितने भी लोगों ने मूवी देखी होगी उरी, उरी मूवी जितने लोगों ने देखा होगा, वहां पर देखा होगा कि एक गरुड़ रहता है। गरुड़ का मतलब क्या हो गया, ये गरुड़ रहता है एक तरीके का ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन रहता है या फिर कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ रहती है एक तरीके की। ठीक है, तो इस सेम में से ही राडर एक्स बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा ही मिलकर के, डीआरडीओ और आईएएससी ने मिलकर के इसको डेवलप किया हुआ, आईएएससी बेंगलोर ने मिलकर डेवलप किया है। यहां पर है क्या, ये हेलीकॉप्टर टाइप का है, हेलीकॉप्टर टाइप का है और इसमें एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की गई है। तो ये बेसिकली क्या होगा, उड़ेगा, उड़ने के साथ साथ ये 2 मीटर की दूरी से ही आपको बता देगा कि आगे एक्सप्लोजिव है या नहीं है या क्या कंडीशन है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस डिफेंस एक्टिविटी के लिए। तो दिस इज द न्यू बॉम्ब और एक्सप्लोसिव डिटेक्शन
डिवाइस कॉल्ड रैंडर एक्स, क्लियर ठीक क्लियर है। ये डेवलप किया गया डीआरडीओ और आईएससी बेंगलोर के द्वारा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स आती है, वो आती है मैक बिल्डिंग के बारे में। व्हाट इज द मैक बिल्डिंग, क्या चीज है। अब जरा हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में, और जरा बात करते हैं जो आप लोग रोज करते हैं। क्या करते हैं आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू, मतलब जनरली ऐसा मैं बोलूंगा, सब लोग के लिए नहीं है। होता क्या है कि आप मोबाइल फोन से एक वाईफाई क्रिएट करते हैं, वाईफाई क्रिएट करने के बाद आप अपने लैपटॉप को या अदर मोबाइल फोन जितने भी होंगे उनको आप यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन से वाईफाई बना के या फिर जिसके घर में भी राउटर होगा वो राउटर वगैरह को यूज करके इस तरीके से डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। राउटर में जब भी आप डिवाइस को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू ऑप्शन। एक होती है जो प्लग एंड पिन होती है, प्लग एंड पिन, जहां पर आपको लैन केबल लगानी पड़ती है। दूसरा तरीका होता है जहां पर आप वाईफाई के थ्रू इसमें ऐड हो रहे होते हैं, वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस राउटर की अपनी खुद की एक मैक एड्रेस रहता है, मैक एड्रेस जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका कह लीजिए आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस करता क्या है कि जितने भी डिवाइस इससे कनेक्ट होंगे उन सारे आईपी एड्रेस की लोकेशन ले लेता है। लोकेशन लेने का मतलब कि आईपी एड्रेस को रजिस्टर कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आपने थोड़ा सा होशियारी की और आपने क्या किया, वीपीएन का यूज करके आपने आईपी एड्रेस को बाईपास करने की कोशिश की, तो बाईपास करने से क्या होता है कि राउटर सही आईपी एड्रेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और जो वेबसाइट्स मान लीजिए इंडिया में बंद की गई है वो वेबसाइट्स भी खुल जा रही होती हैं। तो ये तरीका होता है वीपीएन का, जहां पर हैकिंग के लिए यूज किया जाता है, ये अपनी आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए किया जाता है ये। तो इसमें किया ये गया है कि कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, टेंशन सिचुएशन वाली है, अगर वहां पर हमको आईपी एड्रेस अगर नहीं मिल पाएगा तो वहां पर दिक्कत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए फेक इंफॉर्मेशन फैल गई या किसी तरीके से वीपीएन के थ्रू बाईपास करके इन लोगों ने बैंड वेबसाइट को अगर ओपन कर लिया तो यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी की काफी ज्यादा चांसेस हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट अब उनको मॉनिटर नहीं कर पा रही है। तो इसमें किया यह गया है कि मैक बाइंडिंग कंसेप्ट का यूज किया गया है। मतलब क्या है, मैक बाइंडिंग कंसेप्ट का मतलब यह है कि आप अब अगर आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस मतलब कि राउटर में जो आईपी एड्रेस है, अगर उस आईपी एड्रेस से अलग कोई आईपी एड्रेस इस राउटर के थ्रू होकर के कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो यहां पर दे देगा अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। मतलब अब अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क का मतलब कि लैपटॉप में आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगी, आपका कनेक्शन नहीं चल पाएगा। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे वीपीएन को बाईपास करने वाले, वीपीएन को डिसेबल करने वाले सिस्टम को ही बोला जाता है क्या चीज, मैक बाइंडिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये तरीका पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि क्या तरीका है, क्लियर हो गया। ओके, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इन कश्मीर हैज बीन रिस्टोर्ड आफ्टर 7 मंथ्स, इट विल बी मेड अवेलेबल विद मैक बाइंडिंग, क्योंकि सारे लोगों की इंफॉर्मेशन को हमारे पास रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक का मतलब क्या है, मैक का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, दिस इज नॉट iOS, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम आता है रिलेटेड विद सर क्रीक। अब ये सर क्रीक क्या चीज है, सर क्रीक का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री में आता है, ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये डिस्प्यूटेड इलाका है, इंडिया और पाकिस्तान, और ये है कहां पर, ये पाया जाता है कच्छ रीजियन में, गुजरात में। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं, फिलहाल जरा देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या चीज है। तो थर्ड एडिशन ऑफ WIONS वर्ल्ड समिट वॉज हेल्ड इन दुबई रिसेंटली, एट द इवेंट फॉर्मर पाकिस्तान मिनिस्टर कस्तूरी रिकॉल्ड द प्लान फॉर सर क्रीक पैक्ट। एक्चुअल में है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा एरिया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया के अंतर्गत आ जाता है। इस डिस्प्यूटेड एरिया में एक इलाका है जो गुजरात से शुरू हो रही है, तो यहां पर सर क्रीक का इलाका आ जाता है। सर क्रीक के अलावा अगर राजस्थान में आ जाए तो राजस्थान में कोई डिस्प्यूटेड इलाका नहीं आता है। ऊपर आ जाएंगे तो पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल वाली बात हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब कि जो हमारा सियाचिन वाला पार्ट है वो भी, या कह लीजिए कि यहां पर पीओके रीजन हो गया, ये भी हमारी यहां पर डिस्प्यूटेड बाउंड्री में आ जा रही होती है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो रीजन है, पीओके का रीजन है, ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो ये हमारा सर क्रीक का ऑप्शन है ये काफी सिंपल है और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर दोनों गवर्नमेंट चाहे तो। यहां पर एक गवर्नमेंट के चाहने से कुछ नहीं होगा, दोनों गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेंगी तब तक सर क्रीक का मामला भी सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो फिलहाल अगर यहां पर बात किया जाए तो यहां पर सर क्रीक के बारे में ही हमारे इस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने कुछ कुछ बोला हुआ है और क्या बोला है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इम्पॉर्टेंट इट इज कि हमारा सर क्रीक का मुद्दा क्या चीज है। देखिए सर क्रीक का मुद्दा और ये सब हम लोग को हालांकि डिस्कस करना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग अपने प्री में बात नहीं करेंगे, ये मेंस के टॉपिक में बात कर रहे होते हैं। बट अगेन उसका कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो करंट अफेयर्स में आया हुआ है तो हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो सर क्रीक के बारे में अगर बात करें तो देखिए दिस इज 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड्स। ठीक है, अब यहां पर एक चीज लिखा हुआ है मार्शी लैंड, क्या चीज होती है मार्शी लैंड का मतलब होता है एक तरीके से समझ लीजिए कीचड़ वाला इलाका, कीचड़ वाला इलाका। कीचड़ वाला इलाका का मतलब क्या हो गया, जो स्वैम्प लैंड है या फिर कह लीजिए कि जहां पर दलदली जमीन है, तो जो स्वैम्पी एरिया होता है या फिर दलदली जमीन होती है वहां पर एक्चुअली क्या होती है कि मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकल रही होती है एंड मीथेन इज व्हाट, मीथेन इज ग्लोबल वार्मिंग गैस हो जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही होती है। हालांकि ये गैस फिर भी इसके लिए मारपीट चल रही है, क्यों, कुछ इंपॉर्टेंस है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फिगर के साथ तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में अगर बात करें तो देखिए सर क्रीक इसका नाम पहले बाण गंगा हुआ करता था, लेकिन बाद में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उसके नाम पर इसका नाम सर क्रीक रख दिया गया। क्वेश्चन ये होता है ये क्रीक वाली चीज, ये क्रीक क्या चीज है, क्रीक का मतलब होता है एक पतला सा एरिया या गली बोल सकते हैं आप, जो कि ओशियनिक बॉडी में रहेगी, ओशियनिक बॉडी की एक गली। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां पर मतलब आप पूरा खुल करके सुनिए, दिस इज आवर गुजरात, ये सिंध रीजियन है पाकिस्तान का और यहां पर है ये हमारा गुजरात, गुजरात का हमारा टॉप इलाका और इस इलाके में जब आप देखेंगे तो बहुत ही कई सारे इस तरीके से पानी के फॉर्मेट में ऐसे बना हुआ होगा। आपको जब भी देखेंगे एटलस ओपन करके देखिए आपको यहां पर ये डॉटेड डॉटेड इलाका दिखेगा, डॉटेड का मतलब है कि ये पूरा का पूरा मार्शी एरिया है, यहां पर पूरा का पूरा दलदली जमीन है, दलदली जमीन है। ठीक है, अब जैसे ही ये गुजरात को आप आगे बढ़ेंगे तो ये इलाका आ जाता है अरेबियन सी का, दिस इज अरेबियन सी। अरेबियन सी में फायदा क्या है, सबसे पहले फायदा है कि यहां पर आप फिशिंग कर सकते हैं, दूसरा फायदा क्या है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो अगर अब ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं यानी कि अगर ये इलाका हमें मिल जाता है तो हमें दोनों में काफी फायदा होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जरा इंटरनेशनल नॉर्म्स की, जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सी के बारे में अगर बात किया जाए, इन क्लॉज बोला जाता है अन UNCLOS, ठीक है UNCLOS, ठीक है ये बोलाता है अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसमें बोला ये जाता है कि सपोज दिस इज अ रीजियन, ये मान लीजिए कि कंट्री की बॉर्डर है, बॉर्डर है तो बॉर्डर से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल, एक्चुअली नॉटिकल माइल समुद्र को दूरी नापने का एक यूनिट होता है, तो 12 नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल तक ये होती है टेरिटोरियल एरिया, उसके आगे अगेन 12 नॉटिकल माइल ये कॉन्टिगुअस जोन होती है और यहां से पूरा ये जो 200 नॉटिकल माइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईईजेड। ईईजेड का मतलब यहां पर सॉवरेनिटी नहीं होती है, यहां पर होती है केवल और केवल इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए यानी कि आप ये ज्यादा से ज्यादा अरेबियन सी कब आप अपने अंडर में ले पाएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा आपके बॉर्डर बाहर की तरफ निकल करके आए, तो मार इसी की है दोनों कंट्री में कि ज्यादा बॉर्डर कौन पहले लेकर के जाए। तो यहां पर देखिए अगर बात किया जाए ज्यादा बॉर्डर इलाके लेने के चक्कर में दोनों कंट्री पॉलिटिक्स क्या खेल रही है। यहां पर अगर पाकिस्तान के बारे में देखें तो देखिए द ग्रीन रीजन इज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान की, जो आपका ये बॉर्डर है ये गुजरात का बॉर्डर है, गुजरात देखिए इस तरीके से है, ये वाला इलाका बनाया गया है यहां पर देखिए। ठीक है, इस इलाके को जब ऊपर लेकर के आएंगे तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला पार्ट यहां पर है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो यहां पर ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान बोलता है कि आपकी टेरिटरी यहां से शुरू होती है और यहीं से आपको 90 डिग्री एक टर्न ले लेना है और ये आपका इलाका बन जाएगा, मतलब इसके अंदर में ही आपको रहना है, मतलब यहां से यहां इस बॉर्डर से आपको 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल लेना है, आपको बाहर इलाके से नहीं लेना है। इंडिया बोलता है कि यार बताओ तुम गलत बात कह रहे हो, इंडिया जो होता है ये कहता है कि तुम यार इंटरनेशनल कन्वेंशन जो अनक्लॉज है उसको फॉलो करना चाहिए। अनक्लॉज बोलता है कि जब भी जहां पर भी मान लीजिए कि दोनों के बीच में दूरी कम रहती है, 200 नॉटिकल माइल से दूरी कम है, तो वहां पर थाल्वेक प्रिंसिपल लगता है, थाल्वेक प्रिंसिपल। अब ये थाल्वेक प्रिंसिपल क्या चीज होती है, थाल्वेक प्रिंसिपल होती है जैसे ये मान लेते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये मान लेते हैं इंडिया का बॉर्डर है,
ये अपना 12 नॉटिकल माइल, ये अपना 12 नॉटिकल माइल निकालेगा, फिर ये अपना 12 निकालेगा, फिर ये अपना 12 निकालेगा। अब 200 पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल लगता है अनक्लॉज का कि आपका मिडिल मिड पॉइंट, दोनों के बीच का मिड पॉइंट, मतलब आधा इधर अब लिया जाएगा कि बीच का एरिया कौन सा रहेगा, किसकी सॉवरेनिटी किस इलाके में होने वाली है। तो इंडिया ने बोला देखो यार हम अनक्लॉज को फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये काम करेगा। पाकिस्तान भी यहां पर कम नहीं था, पाकिस्तान ने यहां पर दिमाग लगा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि देखो अनक्लॉज केवल और केवल उस जगह पर रखता है जहां पर आपकी बॉडी नेविगेशनल हो, और ये जो यहां सर क्रीक का इलाका ये नेविगेशनल नहीं है, यानी कि यहां पर कोई शिप या कुछ भी नहीं चल सकता है। तो अब क्या किया जाए, तो इंडिया ने बोला कि यार ऐसा है थालवे प्रिंसिपल का यूज करके हम बीच वाला पार्ट मांग रहे हैं तुमसे, लेकिन पाकिस्तान बोलता है नहीं आप ये बॉर्डर आपका इलाका यहां से स्टार्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली यही डिस्प्यूट है यहां पर कि कौन से एरिया को माना जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं इंडिया अगर इस तरीके से मानती है तो काफी अच्छा खासा एरिया इंडिया को मिल जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ ईईजेड, जिससे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान, वही एरिया पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा, वही उसको अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से ये काम ऐसे किया जा रहा है। कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है? तो हम लोगों ने सर क्रीक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि यहीं पर ये डिस्कस हो सकता था। तो हम लोगों ने देखा ये वाली चीज। आगे थोड़ी सी रिपोर्ट वगैरह के बारे में है, तो क्यूएस रैंकिंग के बारे में है। क्यूएस एक तरीके की संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटीज को रैंक दे रहा होता है। ये रैंकिंग दे रही होती है अलग अलग सेक्टर में, कौन कौन से सेक्टर में, तो बेसिकली 5 कैटेगरीज आर देयर। एक होती है जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में दे रही होती है, दूसरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होती है, तीसरी लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में है, चौथी नेचुरल साइंस में, और पांचवी सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में आ रही होती है। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में कोई भी बेस्ट तो नहीं आता है, टॉप 1 तो नहीं आ पाता है, टॉप 1 छोड़िए टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो हम लोग बात करते हैं टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 को लेकर के। तो टॉप में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में हम लोग की है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के लिए, तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जेएनयू और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दोनों के दोनों टॉप यूनिवर्सिटीज होती है। लाइफ साइंसेज और मेडिसिन में अगर बात करें तो देखिए हमारा जो एम्स है वो टॉप पे आता है, लेकिन फिर भी अगेन वो 500 के भी अंदर में नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो रिपोर्ट है दैट रिपोर्ट इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। अब ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट क्या चीज है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड फ्रीडम हाउस के द्वारा, और ये एक यूएस बेस्ड वॉचडॉग है, यूएस बेस्ड है ये, यानी कि एक बात श्योर है कि ये यूएस को तो टॉप प्रायोरिटी देगा ही देगा, लेकिन बाकी की कंट्रीज में भी ये थोड़ी मोड़ी पॉलिटिक्स तो करेगा ही करेगा, और वो पॉलिटिक्स हमें अपने रैंकिंग में भी देखने को मिलता है। फिलहाल अगर बात करें कि ये किस चीज पे पैरामीटर पे काम कर रही होती है, तो ये काम कर रही होती है कुछ पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लाइबिलिटीज को लेकर के। देखा जाता है कि सिविल लिबर्टी कितनी मिल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन में कितने लोग कैसे इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, कितना फ्रीली इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, कितने डिफेमेशन केसेस लग जा रहे हैं, कितने सेडिशन केसेस लग जा रहे हैं, उसके बेसिस पे पूरे के पूरे रैंकिंग को निकाला जाता है। और इस रैंकिंग में हमारी जो पोजीशन आई है काफी पुअर पोजीशन है, 83rd पोजीशन पे हम लोग आ रहे होते हैं। किसके साथ में? हम लोग 3 कंट्री टोटल एक साथ आ रही होती है, इंडिया, तिमोर लेस्ते एंड सेनेगल। तो ये तीनों कंट्री एक साथ एक पोजीशन पे आ रही होती है। इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होता है, लेकिन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये तिमोर लेस्ते और सेनेगल कहां पर है। बाकी हम लोग जब मैप मेकिंग के बारे में बात करेंगे तो इसको डिस्कस ही करेंगे। हालांकि आप इसको बहुत आराम से एटलस ओपन करिए, एटलस ओपन करके चेक करिए कि इन दोनों की पोजीशन कहां पर है। आपको देखना है किस ओशियन में है, किस कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स आती है दैट इज रिलेटेड विद जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। यहां पर देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे सोशल बिलीव्स एंड जो जेंडर इक्वलिटी को लेकर के एरियाज हैं, उन सारे पोजीशन को लेकर के यहां पर इंडेक्स निकाला जाता है। इनफैक्ट इसकी फाइंडिंग भी बहुत अजीबोगरीब आई है। जैसे यहां पर बहुत सारे जो एजुकेटेड मेल हैं वो भी कह रहे हैं कि वुमेन को मारना सही है, वुमेन को मतलब आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, वुमेन को आगे। यहां पर हमारे ग्लास सीलिंग एक कंसेप्ट आता है, वन थिंग इज ग्लास सीलिंग।
ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि जो वुमेन है वो केवल और केवल रिप्रेजेंटेटिव के तरह ही बन करके निकल करके आई है। जैसे आप कहीं पर भी जाइए तो वहां पर रिसेप्शन पे चले जाइए तो रिसेप्शन टेबल पे हमेशा आपको एक वुमेन ही मिलेगी, तो केवल और केवल उनकी पोजीशन वहीं तक सीमित रह गई है। कहीं पर भी आप सीईओ देखिए, एमडी देखिए, डायरेक्टर देखिए, महिला आपको नहीं देखने को जनरली मिलेगी या बहुत कम देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं ग्लास सीलिंग, कि ये देखने में केवल पारदर्शी है, एक्चुअल में पारदर्शी नहीं है। यहां पर इनके ऊपर एक बैरिकेड है विच इज इनविजिबल बैरिकेड, और ये इनविजिबल ग्लास सीलिंग ही बोली जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसके बाद हमारी एक छोटी सी न्यूज और लास्ट न्यूज बची हुई है हमारी एस्ट्रोनॉमी की, और ये है नासा का मार्स रोवर प्रिजर्वेंस। ठीक है, तो यहां पर केवल और केवल आपको ये पता करना है कि प्रिजर्वेंस क्या चीज है, इसके अलावा और कौन कौन से रोवर छोड़े गए हैं। तो रोवर ऑफ द मिशन विल बी टू सर्च फॉर सिग्नल ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ। तो ये जाएगा मार्स पे, मंगल पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा माइक्रोबियल लाइफ वगैरह के बारे में, वहां की क्लाइमेट वगैरह के बारे में चेक करेगा, वहां की सॉइल के बारे में चेक करेगा। तो बेसिकली क्या है, सैंपल वगैरह उठा करके लेकर के आएगा और उसके बारे में चेकिंग वगैरह होगा। ऐसा बोला जाता है कि मार्स और जो मून है उन दोनों जगहों पे ज़ीनॉन काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और ये ज़ीनॉन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिसिनल पर्सपेक्टिव के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्टडी हमारे लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके पहले कितने रोवर छोड़े गए हैं, तो रोवर इसके पहले जो छोड़े गए हैं नासा के द्वारा वो है सोजोर्नर, जो कि 1997 में भेजी गई थी, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी जो 2004 में भेजी गई थी, क्यूरियोसिटी रोवर जो कि 2012 में भेजा गया था, और आज भी यही काम कर रहा है हमारा। जब जो रोवर है, जब हम लोगों ने मंगलयान भेजा था तो वहां पर हमें क्यूरियोसिटी ने ही बताया था कि देखो भाई दिक्कत हो गई है। ओके, तो इसके अलावा इंडिया में भी मंगलयान मिशन है, तो मंगलयान मिशन में हम लोगों ने कुछ सिस्टम भेजा था, उस सिस्टम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रोवर था, क्या सिस्टम था, कैसे क्या था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चंद्रयान, चंद्रयान के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रयान तो हमारा फेल हो गया है। फेल तो क्या मतलब, उसको पता नहीं क्या बोलेंगे आप, लेकिन हम लोग मंगलयान के बारे में बात कर रहे हैं। मंगलयान में किस सिस्टम को कैसे हम लोगों ने भेजा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस इज जस्ट योर रिविजन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स नहीं है और एग्जाम में भी हालांकि नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ये केवल और केवल रिविजन बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस करंट अफेयर्स फॉर टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।